विधानसभा चुनावों के चलते प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार भी जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी में बात करें प्रदेश की हॉट सीटों में से एक महम विधानसभा सीट की, तो इस बार महम पर कमल खिलाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि यहां बीजेपी का मुकाबला सबसे अमीर और महम के लोकप्रिय निर्दलीय उम्मीदवार हरियाणा जन सेवक पार्टी के अध्यक्ष बलराज कुंडू से होने वाला है। इतना ही नहीं, बीजेपी को यहां पर बागियों से भी दो दो हाथ करने होंगे। बता दें, निर्दलीय राजनीति में उतरने से पहले बीजेपी प्रत्याशी रहे बलराज कुंडू ने साल 2014 से 19 के बीच उन्होंने महम विधानसभा क्षेत्र में अपनी पैठ जमाई। उन्हें उम्मीद थी कि भाजपा उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में महम से मैदान में उतारेगी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो कुंडू निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे और उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह डांगी और बीजेपी के शमशेर खरकड़ा समेत सभी दलों को पटखनी देते हुए चुनावों में एक बड़ी जीत दर्ज की थी। तभी से महम सीट पर बलराज कुंडू का दबदबा रहा है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए कुंडू को हराना एक बड़ी चुनौती होने वाली है। मेरा धर्म है, मेरी वोट में है, मेरी जमीन में है, और क्या चाहिए मुझको होने के लिए। इस प्रकार की बातें विपक्षी लोग, ये चारों तरफ मेरा पूरा भय, मेरा परिवार है। इसके अलावा पिछले चुनावों में महम सीट से बीजेपी उम्मीदवार शमशेर खरकड़ा की पत्नी राधा अहलावत ने भी इस बार पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ दी है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने उनके पति का टिकट काट दिया था और इसी के चलते अब राधा अहलावत ने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोक दी है, जिससे अब बीजेपी के सीट पर चौतरफा घिरने के पूरे पूरे आसार है। लेकिन फिर भी पार्टी ने इस हलके में जीत दर्ज करने के लिए यहां से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को चुनावी रण में उतारा है, क्योंकि दीपक हुड्डा का यहां की जाट बहुल आबादी पर खासा दबदबा रहा है। इसके अलावा बात करें कांग्रेस की, तो उसने भी यहां की जाट आबादी को ही ध्यान में रखते हुए एक बार फिर बलराम डांगी पर भरोसा जताया है, क्योंकि पार्टी इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार हुड्डा महम पर कमल खिला पाते हैं या नहीं, वो भी ऐसी स्थिति में जो पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई हो।